तो देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा घर में उग गया है टमाटर का पेड़। देख सकते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देख सकते हैं दोस्त, सुबह सुबह आज मौसम काफ़ी बढ़िया, और ये देख सकते हैं तो नहा धो के रेडी होते हैं और फिर खाना वगैरह खाएंगे। शायद खाना उना बन रहा होगा, तो ठीक है, नहा धो के रेडी हो जाते हैं। कपड़ा भी थोड़ा साफ करना है तो भी कर लेंगे, उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर बताते हैं। तो गाइज हमारा खाना आ गया है, सब्जी और चावल। तो चलिए खाना उना खा के फिर निकलते हैं बाल कटाने के लिए। तो दोस्त खाना उना खा लिए हैं, चलते हैं, थोड़ा बाल उल कटाएंगे और बाल कटा के आएंगे। तो कपड़ा भी देखिए खींचने का है, तो कपड़ा भी साफ़ करेंगे आज। तो देखिए गाड़ी निकालने में हमको कितना परेशानी होता है, पहले पटरा डालना पड़ेगा, फिर आदमी बुलाना पड़ेगा, उसके बाद निकलेगा। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करना पड़ेगा, वो जो नली बना है ना उसके कारण। देखिए निकालते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सैलून के पास, और ये देख सकते हैं कि हम अपना बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और देखिए धीरे धीरे टाइम लगे, आधा घंटा फिर हम कटा लें। तो बाल हमारा कट गया, अब चलते हैं सीधे घर। तो घर आ चुके हैं दोस्त बाल छटा के, अब कपड़ा उपड़ा साफ करते हैं, फिर स्नान वगैरह करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा घर में उग गया है टमाटर का पेड़। देख सकते हैं आप, तो गुलशन टमाटर है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि शाम होने वाला है, थोड़ा इसके वजह से थोड़ा धुंधला भी दिखाई दे रहा होगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको देखने में। और ये जब फलेगा करीब, इसमें हल्का हल्का फूल भी आ गया है। देखिए हम आपको फूल दिखाते हैं, ये देखिए फूल भी आ चुका है। तो जब इसमें फल होगा तो फिर खाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अपने घर में भी देखिए ये सब लगा लेते हैं, अच्छा लगता है घर में ये सब लगाने में। तो ठीक है, धन्यवाद। तो गाइस शाम हो चुका है, और ये देख सकते हैं आटा उटा सन गया और इधर भुंजिया बन रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। तो घर में भी हम ही बना देते हैं कभी काल खाना, तो ठीक है बनता है तो बना देते हैं आराम से, उसके बाद खाना उना खाएंगे। तो हम भुंजिया बना रहे थे और मम्मी देखिए हमारी रोटी बनाएगी, तो बना के और फिर हम सब खाएंगे। हम ही और मम्मी ही रहते हैं घर में बस, और बाकी सब इधर उधर ही है। तो गाइज खाना निकल गया है, भुंजिया रोटी, तो चलिए खाना खा लेते हैं आराम से। हमारा खाना पीना हो गया है, आशा करता हूँ दोस्त कि आप लोग भी खाना खा लिए होंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नीतीश बादशाह ब्लॉग्स। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी।